एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने चैनल से इस्तीफा दे दिया है। वह एनडीटीवी में वरिष्ठ कार्यकारी संपादक के पद पर कार्यरत थे। एनडीटीवी ग्रुप के प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह ने कंपनी के कर्मचारियों को ईमेल कर जानकारी दी है। रवीश का इस्तीफा तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है। रवीश अब अपने यूट्यूब चैनल पर नजर आएंगे, इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। अपने चैनल का लिंक शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि माननीय जनता, मेरे होने में आप सभी शामिल हैं, आपका प्यार ही मेरी दौलत है। आप दर्शकों से एक तरफा और लंबा संवाद किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, यही मेरा नया पता है। सभी को गोदी मीडिया की गुलामी से लड़ना है, आपका रवीश कुमार। बता दें कि रवीश कुमार एनडीटीवी के साथ पिछले ढाई दशक से जुड़े हुए हैं। चैनल छोड़ने के बाद उनके अब तक के सफर की चर्चा हो रही है। रवीश कुमार ने एनडीटीवी में अपने सफर की शुरुआत बहुत नीचे से की थी। वह साल 1996 में एनडीटीवी से जुड़े थे, तब उन्हें चैनल में चिट्ठी छाटने का काम मिला था। वह कई इंटरव्यू में बता चुके हैं कि चिट्ठी छाटने के दौरान ही वह दर्शकों के आकांक्षाओं से परिचित हुए। बाद में उन्हें चैनल की तरफ से रिपोर्टिंग करने का मौका मिला। रवीश को जब रिपोर्टिंग का मौका मिला तो उन्होंने गरीब, मजदूर, हाशिए के लोगों के मुद्दों को उठाना शुरू किया। उनकी पत्रकारिता को सब आल्टिन पत्रकारिता का उदाहरण बताया जाने लगा। उन्होंने पत्रकारों की भीड़ में अपनी अलग पहचान रवीश की रिपोर्ट से बनाई। दूसरे शब्दों में रवीश की रिपोर्ट को उनके यश का आधार कह सकते हैं। देखते ही देखते वह एनडीटीवी इंडिया का सबसे प्रमुख चेहरा बन गए। वह चैनल के सबसे प्रमुख कार्यक्रमों को होस्ट करने लगे। उन्होंने एनडीटीवी इंडिया के प्राइम टाइम कार्यक्रम प्राइम टाइम विद रवीश से फुल टाइम एंकरिंग की शुरुआत की थी। इससे उन्होंने जन सरोकार के मुद्दे पर जोर दिया। नौकरी, बैंक और विश्वविद्यालय की हालत चलाई गई उनकी सीरीज को दर्शकों ने जमकर सराहा था। रवीश ने हम लोग और देश की बात जैसे कार्यक्रमों को भी किया जो खूब चर्चित हुए। रवीश अपने सत्ता विरोधी स्टैंड के लिए कभी प्रशंसा तो कभी आलोचना के पात्र बने। सांप्रदायिकता के सवाल को भी वह प्रमुखता से रेखांकित करते रहे हैं। रवीश कुमार इश्क में शहर होना, देखते रहिए, फ्री वॉइस जैसे चर्चित किताबें लिख चुके हैं। उनकी पत्रकारिता पर वाइल वी वॉच्ड नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। विनय शुक्ला के निर्देशन में बनी वाइल वी वॉच्ड को हाल में न्यूयॉर्क के IFC सेंटर में दिखाया गया था। बता दें कि विनय शुक्ला ने इससे पहले अरविंद केजरीवाल पर भी फिल्म बनाई थी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज TV। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।